नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। एक और नवीन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों बात करने वाले हैं सीटी 2024 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के बारे में। दोस्तों सीटी ग्रेजुएशन लेवल की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। नया सिलेबस दोस्तों जारी हो गया है, आपको बताएंगे इस सिलेबस में क्या हटा है, क्या जुड़ा नया जुड़ा है। संशोधित विज्ञप्ति के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये सिलेबस जारी कर दिया गया दोस्तों। तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या दोस्तों इसमें टॉपिक जुड़े, क्या परीक्षा की स्कीम रहने वाले है, क्या दोस्तों यहाँ पे हटे हैं, तो सभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। साथ ही परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है, कितने अंक का पेपर होगा, ऋणात्मक अंकन आपको पता है यहाँ पे लागू कर दिया गया है, और साथ साथ और क्या क्या चीजें जोड़ी गई है, क्या हटाई गई है, संशोधित जो विज्ञप्ति है उसमें क्या डिटेल दी गई, वो कंप्लीट हम यहाँ पे बात करने वाले। तो वीडियो पे नए है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, और आप लगातार जो नवीनतम सूचनाएं हैं उनसे यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। आपके अपने चैनल सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि अगले जो भी वीडियो आएंगे सभी आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे दोस्तों। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो सीटी से संबंधित जो भी नोट्स हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो यहाँ पे सिलेबस दिखाने वाला हूँ दोस्तों वो सिलेबस भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सीटी का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल का आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके उसको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो। बात करते हैं सीटी सिलेबस 2024 के बारे में, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस उसके बारे में बात करेंगे। नई विज्ञप्ति के साथ साथ दोस्तों नया सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, क्या हटाया है, क्या जुड़ा है, सभी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले परीक्षा की स्कीम देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी किया गया दोस्तों, यहाँ पे समान पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में दोस्तों, 2024 समान पात्रता परीक्षा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं समान पात्रता परीक्षा मतलब सीईटी 2024 के बारे में। और आपको पता है दोस्तों अभी तक की यहाँ पे सीईटी के अंदर दोस्तों 11 बड़ी भर्तियों को यहाँ पे शामिल किया गया है। कौन कौन सी 11 बड़ी भर्तियां होने वाली, तो आप बात कर सकते हो दोस्तों पटवारी भर्ती को इसमें शामिल किया गया है, जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को शामिल किया गया है, पर्यवेक्षक जो महिला है उसकी भर्ती को शामिल किया गया है, और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक जो अन्य भर्तियां हैं उनको भी शामिल किया गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला हो गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 11 जो बड़ी भर्तियां हैं उनको यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। जो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो सीईटी पात्रता है वही कैंडिडेट इन 11 बड़ी भर्तियों में यहाँ पे शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षा की स्कीम किस प्रकार यहाँ पे परीक्षा की स्कीम रहने वाली है। तो देखोगे प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पे प्रश्न 150 अंक यहाँ पे मतलब 150 प्रश्न रहने वाला है, कुल 300 अंकों का, मतलब एक प्रश्न आपके यहाँ पे एक प्रश्न कितने अंक का, 2 अंक का यहाँ पे रहने वाला है, और 3 घंटे मतलब 180 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। मतलब दोस्तों 3 घंटे 180 मिनट का समय दिया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र पर विशेष बल देते हुए यहाँ पे राजस्थान और भारत का इतिहास, भारत का राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का जो भूगोल है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल एवं साथ ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी है, तार्किक विवेचन है, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों समसामयिक जो भी पहलू हैं उनको यहाँ पे कवर करते हुए ये सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया। आप पूरा ब्रॉड जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कला संस्कृति से कौन से टॉपिक आने वाले हैं, भूगोल से कौन से टॉपिक आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया, आप देख सकते हो राजस्थान की केवल भारत की जो राजव्यवस्था है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है, राजस्थान की राजव्यवस्था को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था राजस्थान की अर्थव्यवस्था को यहाँ पे शामिल किया गया। अब बात करते हैं सभी प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे मतलब ओमार बेस होंगे दोस्तों, जिनमें 4 ऑप्शन होंगे जिनमें एक ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। ओमार शीट में दोस्तों आपको 5 विकल्प ही देखने को मिलेंगे दोस्तों, 5 विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें 5वां विकल्प दोस्तों नन ऑफ दी अभाव का होगा, इसमें से किसी को भी नहीं चुनना है, तो आपको इसको यहाँ पे चुनना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं किसी भी प्रश्न के लिए यहाँ पे गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों को 1/3 अंक यहाँ पे दोस्तों ऋणात्मक अंक रहने वाला है, 1/3 या दोस्तों 0.33 दोस्तों 0.33 या 1/3 यहाँ पे नकारात्मक अंकन यहाँ पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग मतलब इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि आपको पता है। अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो पाठ्यक्रम दोस्तों ब्रॉड सिलेबस को काफी बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, इसमें कम से कम आपको अधिक समय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों केवल 40 से 42 दिन के समथिंग यहाँ दोस्तों आज से कवर करते हैं, तो 40 से 42 दिन का यहाँ पे समय है आपके पास, जिसमें आपको ये सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे करना है।
अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के यहाँ पे 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो थे उनको शामिल किया गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलनकर्ताओं का योगदान, 1857 की क्रांति जिसमें भारत की 1857 की क्रांति और राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है, राजस्थान की पहलों पे क्या चर्चा रही उन पे बात करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण जो बात करते हैं, जो राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, जो कांग्रेस जो गठन हुई, साथ ही साथ नेहरू का क्या योगदान रहा, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी में क्या विकास हुआ उसके बारे में। अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति प्राचीन सभ्यताओं को शामिल किया गया, मतलब दोस्तों राजस्थान का ऐसा कोई संभवतः टॉपिक रहा होगा जिसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, मतलब सभी पहलुओं को टच करते हुए, जैसे कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट की सभ्यता को जोड़ दिया गया। साथ ही इतिहास में यहाँ पे बताया गया कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, जो प्रमुख राजवंश है उनकी प्रशासनिक और राजव्यवस्था के बारे में, स्थापत्य कला दोस्तों के लिए स्मारक कलाएं, चित्रकला, शिल्प कला, मेले हो गए, संस्कृति हो गई, धार्मिक आंदोलन हो गए, महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल हो गए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति हो गए और राजस्थान का एकीकरण हो गया। अब राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान को यहाँ पे शामिल किया गया, जलवायु और मानसून तंत्र को शामिल किया गया, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें इनको शामिल किया गया, जीव जंतु और अभयारण्य को शामिल किया गया, साथ ही जो फसलें हैं दोस्तों उनमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, केवल फसलों में इन्हीं टॉपिक को आपको यहाँ पे पढ़ना है, मतलब गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी इनको ही पढ़ना है, अन्य फसलों को नहीं पढ़ना है। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनको यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ज्योग्राफी यहाँ पे आपकी कवर होती है और भी काफी सारे ज्योग्राफी के टॉपिक जोड़ रखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे खनिज हो गया जिसमें लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रको केवल चार ही खनिजों को शामिल किया गया, जो प्रमुख खनिज है उनको तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस, आपको पता है कि LDC पेपर में आउट ऑफ सिलेबस रहा, तो आपको खनिजों को पूरा टॉपिक ही क्लियर करना है, क्योंकि आप कभी चार टॉपिक देख रहे दे रखे हैं तो उनको ही यहाँ पे कवर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे प्रमुख खनिज भी दे रखे हैं, तो इनमें से इनके अलावा और भी जो प्रमुख खनिज है उनको आपको पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स हो गए, प्रमुख उद्योग औद्योगिक प्रदेश हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और साधन व्यापार हो गए, राजस्थान का भूगोल दोस्तों आप देख सकते हो, भूगर्भिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश हो गए। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पूरा राजस्थान का टॉपिक यहाँ पे जोड़ा गया है, भारत का भूगोल भी जोड़ा गया है, राजस्थान का दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया है, राजस्थान का दोस्तों पूरा लगभग राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी यहाँ पे शामिल कर दी गई दोस्तों, कोई भी पॉइंट को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, सभी पॉइंटों को प्रमुख जनजातियों से लेकर जनसंख्या वृद्धि, वितरण, साक्षरता, वन्य जीव अभयारण्य, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, मृदा, सागर, झीलें, नदियां, नहरें और साथ ही ऊर्जा सोर्स, परंपरागत गैर परंपरागत पर्यटन जो स्थल है उनके बारे में, यातायात के जो साधन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, वायुयान इनके बारे में बात की गई। इसी के साथ साथ बात करते हैं राजस्थान के विशेष जो भारतीय राजस्थान के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी करते हुए, जैसे राजस्थान का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजव्यवस्था, मतलब भारतीय राजव्यवस्था कितना प्रभावित कर सकती है दोस्तों, मतलब वहां पे दोस्तों शॉर्ट में यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान की राजव्यवस्था को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब दोस्तों आप देख सकते हो जो शॉर्ट में स्टार्टिंग में जो परीक्षा स्कीम में जो सिलेबस बताया गया था उसमें राजस्थान की राजव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जो पूरा जो विस्तृत सिलेबस इन्होंने जारी किया गया उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मतलब जो पॉलिटी है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी और जो राजस्थान पॉलिटी पूरा कवर करते हुए यहाँ पे संविधान को कवर करते हुए यहाँ पे शामिल किया गया, मतलब संविधान के सारे जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो राजस्थान में लागू होते हो तो भारत में लागू होते हो। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे बजट के बारे में बात की गई, सब्सिडी, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में, साथ ही जो प्रमुख जो पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तो प्रमुख जो क्रांतियां हैं, साथ ही साक्षरता पर क्या प्रभाव पड़ा और सरकार की जो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लग रही है, जो बजट है दोस्तों वर्तमान बजट है, बजट में क्या प्रावधान रहे, सेवा कर, वस्तु कर आदि जो भी है टॉपिक है यहाँ पे शामिल किए गए, अर्थव्यवस्था जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस के लगभग लगभग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को जोड़ा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सूचना, और इसी के साथ साथ यहाँ पे सूचना संचार तकनीकी के मतलब दोस्तों ICT वाला पार्ट भी साइंस को कवर करते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,
रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह जो दोस्तों करंट से रिलेटेड करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं तार्किक पूरा रीजनिंग का दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे जोड़ दिया गया जिसमें कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक पे रहेंगे, जैसे अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसी के बाद लिक्विड जो है मेथड हो गया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को यहाँ पे दोनों को शामिल किया गया दोस्तों, जिसमें जैसे क्या एनालॉग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे टॉपिक रीजनिंग के हैं जो यहाँ पे जोड़े गए हैं। बात करते थे हिंदी के बारे में, तो हिंदी भी पूरी यहाँ पे शामिल किया गया, मतलब दोस्तों सारे हिंदी के जो टॉपिक हैं टेंथ क्लास से दोस्तों, नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ की जो बुक है ग्रामर की, उस बुक को यहाँ पे पूरा शामिल कर दिया गया दोस्तों। लगभग देखो आप कितने सारे टॉपिक हैं, सभी को यहाँ पे शामिल किया गया। जर्नल इंग्लिश को भी दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे शामिल कर दिया गया दोस्तों, जो इलेवन ट्वेल्थ में चलती है यहाँ पे जर्नल इंग्लिश की, सामान्य जो इंग्लिश है वो टॉपिक सारे यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको यहाँ पे दोस्तों शामिल कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रैम रोम जो एमएस ऑफिस है पूरा, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट स्प्रेडशीट पावर पॉइंट और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी शामिल कर दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है रैम रोम इनके बारे में, और जो करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर में राजस्थान और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे प्रमुख जो करंट अफेयर है उसको शामिल कर दिया गया। वर्तमान में जो चर्चित स्थल स्थान और जो भी टॉपिक है संस्थाएं खेल कूद वर्तमान में जो चर्चित हैं उनके उनकी से संबंधित, जैसे ओलंपिक हो गया वर्तमान में चर्चित, तो उसमें कितने भारत को पदक मिले, कितने पदक किस किस के जो खिलाड़ी ने यहाँ पे जीते हैं, और उनका क्या दोस्तों खेल से स्कोर है, जैसे मनु भाकर का बात करते हैं शूटिंग से, और जेवलिन थ्रो से जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, इसी प्रकार जो भी खिलाड़ी हैं जैसे पांच से छह खिलाड़ियों ने यहाँ पे पदक जीते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जनरल सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है। इस प्रकार ये सिलेबस था दोस्तों सीईटी का, काफी बहुत लंबा सिलेबस है, और यहाँ पे दोस्तों आपका कह सकते हैं कि इस समय बहुत कम दिया गया है। आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 यहाँ पे जोड़ दी गई दोस्तों। तो इस प्रकार ये सिलेबस था, 150 क्वेश्चन 300 अंकों का यहाँ पे रहने वाला है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, पूरा सिलेबस को हमने यहाँ पे कवर किया। आपको सिलेबस यदि प्रिंट आउट चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आपको सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, वहां पे डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट आउट लेके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। साथ ही आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां से अपने नोट्स आपकी तैयारी से संबंधित वहां से डाउनलोड कर लेने हैं दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो में सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।